सुबह 6 बजे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गेट नंबर 1 से ही दौड़ शुरू होगी और उसी के चारों तरफ पूरा करके समाप्त होगी। तो आप में से जो भी बच्चे अपनी इच्छा अनुसार, और ऐसा नहीं है कि बिना बताए, अपने पेरेंट्स को साथ लेके और पेरेंट्स को बता करके कि फलानी जगह कार्यक्रम है और हम वहां जा रहे हैं तभी जाना है, ऐसे नहीं कि दोस्तों दोस्तों ने प्लानिंग करी और निकल गए, ऐसा नहीं करना है। मैंने पहले भी बोला है कि जो भी काम करना है पेरेंट्स की, आपको आपके पेरेंट्स को जानकारी होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। तो सुबह 6 बजे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की गेट नंबर 1 से ही दौड़ शुरू होगी रन फॉर यूनिटी। तो आप बच्चे भी उसमें भाग ले सकते हैं, कोई भी भाग ले सकता है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, सब फ्री है। सभी बच्चों को टी शर्ट्स और सर्टिफिकेट्स वहां पर मिलेंगे जैसा उनकी व्यवस्था है। तो ये प्रोग्राम था, और बाकी मैं यही कहूंगी कि जो दिवाली आ रही है उसमें मैंने आपको फिर कहा कि चाइना की चीजों का हम लोग यूज नहीं करेंगे, और अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे कि यदि हमें हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाना है तो एक व्यक्ति, सिर्फ एक देश का प्रधानमंत्री इस काम को नहीं कर सकता है। ये देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि हम देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए और देश में सुशासन के लिए और आतंकवाद मुक्त करने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना होगा। तो हम सब अपना उसमें एक यही त्याग और एक यही हम अपना एक उस यज्ञ में आहुति दे सकते हैं कि हम जो हमसे कहा जा रहा है कि हम चाइना की चीजों को ना लें तो हम ना लें, और पर्यावरण मुक्त, पर्यावरण हम अपना सुरक्षित रखें उसके लिए हमें पटाखे नहीं जलाने हैं।